हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो है वो है जीके और जीएस की ट्रिक पे बेस्ड है। इस ट्रिक में हम क्या सीखेंगे, कौन सा वैज्ञानिक यंत्र, कौन सा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट किस चीज़ के मेजर के लिए किया जाता है, ठीक है ना। जैसे सिंपल सा एग्जांपल थर्मामीटर लेते हैं तो बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करता है ना, शरीर का कितना तापमान है, बुखार कितना है, तो वो तो हो गया थर्मामीटर। ऐसे ही हम और भी सीखेंगे कि कौन सी ऐसी इंस्ट्रूमेंट, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है वो क्या मेजर करता है, विथ ट्रिक, है ना। तो चलिए टाइम को बर्बाद नहीं करते हैं, जल्दी से अपने वीडियो पे आते हैं। आप अपना फ़ोन इस तरह पकड़े हैं तो उसको लैंडस्केप मोड में कर दीजिए, चीज़ें और अच्छी दिखेंगी। चलिए पहले अगर जो बात की जाए तो पहला मैंने लिखा है क्या, सुनार। सुनार क्या मेजर करता है, समुद्र के भीतर छुपी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए, ठीक है। हिंदी इंग्लिश के लिए मत परेशान होइएगा, कोई ऐसा टर्म आएगा हिंदी का जो टफ होगा तो उसको मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दूंगा। बहरहाल सोनार का यूज किया जाता है समुद्र के भीतर छुपी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए। अब याद कैसे करें, तो फ्रेंड्स याद करने के लिए ऐसा सोचिए, जो सोनार होते हैं, जो सोना वगैरह खरीदते बेचते हैं, वो क्या करते हैं, चीज़ों को बहुत बारीकी से देखते हैं। मतलब कोई भी आप सोना मान लीजिए लेके गया, आप कंगन वगैरह कोई लेके गया, उसको क्या करेंगे, बहुत अच्छे से भीतर के अंदर मतलब छुपी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए उस पता लगाते हैं कि इसके अंदर क्या है, सोना कितना है, इसके अंदर कितना रोल गोल्ड मिलाया गया, बहुत अच्छे से देखते हैं ना। तो छिपी हुई वस्तु पर आप केवल ध्यान दीजिए, ठीक है। अब बात आती है सोना, ये तो सोनार का काम होता है, तो वहाँ से आप सोनार रिलेट कर लीजिए। अब क्या, और हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा, समुद्र। समुद्र के, अब भाई सोनार का काम सोना देखना होता है, लेकिन यहाँ सोनार एक इंस्ट्रूमेंट है, वो इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, समुद्र के भीतर छुपी हुई वस्तु का पता लगाता है। मेरा बस इतना मतलब था, भीतर छुपी हुई वस्तु से आपको सोनार याद आएगा और सोनार से आपको फिर समुद्र याद करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा चलिए सेकंड की बात किया जाए तो एनीमोमीटर, क्या बोल लिखा है, एनीमोमीटर। तो एनीमोमीटर में एनीमोमीटर लिखेंगे पहले ए आएगा, आएगा कि नहीं, और वायु की गति का पता लगाने के लिए। अगर इंग्लिश में बात किया जाए तो वायु की गति का पता लगाने के लिए, मतलब स्पीड ऑफ लाइट को मेजर करने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है। याद कैसे करें, एनीमोमीटर में ए आएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एयर आ जाएगा भाई, एयर की गति का पता लगाने के लिए। तो ए दो तीन बार आप देखेंगे इसको, बस आसानी से आपको याद हो जाएगा। अच्छा अब बात करते हैं पाइरोमीटर। पाइरोमीटर का यूज जो किया जाता है उच्च ताप की माप के लिए, मतलब हाई इंटेंसिटी का जो टेम्परेचर होता है उसको मेजर करने के लिए पाइरोमीटर का यूज किया जाता है। अच्छा याद कैसे करें, तो इसके लिए एक आप ऐसे समझ लीजिए, पाई किसी का नाम था और वो रो रहा था, तो पाइरो आ गया, पाई रो रहा था। अब बता रहा क्यों रो रहा था, क्यों, उच्च ताप मतलब गर्मी के कारण, गर्मी के कारण। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको बस एक दिमाग में इमेज बनानी है कि पाई एक कोई लड़का था, वो रो रहा था। अब बात आती है क्यों रो रहा था भाई, गर्मी के कारण, क्यों, बहुत ज़्यादा गर्मी थी मतलब उच्च ताप था। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अच्छा अब बात की जाए बैरोमीटर की। बैरोमीटर का यूज किया जाता है वो क्या, किसके लिए किया जाता है, वायुमंडलीय दाब मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। अब बात आती है याद कैसे करें, तो फ्रेंड देखिए याद करने के लिए क्या करिए, एक शब्द होता है हिंदी में बैरी, बैरी मतलब होता है बहुत दुष्ट लोग जो होते हैं उनको कहते हैं बहुत बैरी है, ये बहुत कष्ट देता है हमको, और कष्ट कैसे वो देता होगा, दाब, दाब मतलब प्रेशर बनाता है किसी काम को करने के लिए, हाँ ये करो ये करो, तो बैरोमीटर से क्या हो जाएगा, वायुमंडलीय दाब या फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में बता दे रहा हूँ। तो बैरोमीटर मतलब बैरी है कोई और बहुत दाब बना रहा है, दाब बना रहा है, किस पर दाब बना रहा है, वायुमंडलीय दाब, है ना। बस याद करने का एक छोटा सा मतलब ये है कि आप चीज़ों को कोरिलेट कर ले जाएंगे, एक बार आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। बस आपका इंटेंशन खींचने के लिए मैं चीज़ों को बहुत शॉर्ट में और बहुत अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको ना समझ में आए तो एक बार वीडियो और देखेंगे तो और चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी। अच्छा अब समझिए हाइड्रोमीटर। हाइड्रो एक ऐसा वर्ड है फ्रेंड्स, वो कहीं भी आ जाए तो उसका मतलब हमेशा क्या होता है, जल। अब जल का घनत्व मापने के लिए मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर,
डेंसिटी ऑफ वाटर मीज़र करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है, मतलब जल का घनत्व मापने के लिए। तो हाइड्रो और जल आ गया, इससे याद कर लीजिए, और जल का घनत्व मतलब डेंसिटी मेजर करने। अच्छा, हाइग्रोमीटर, ये हाइड्रो था, ये हाइग्रो था। अब फ्रेंड्स देखिए, हाइग्रोमीटर का यूज किया जाता है हवा की आर्द्रता मापने के लिए। किसका? हवा की आर्द्रता। अब बताइए, मतलब हवा की आर्द्रता को इंग्लिश में बात किया जाए तो ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, मतलब हवा की, हवा में कितनी नमी है, इसको मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? हाइग्रोमीटर। अब बात आती है याद कैसे करें, तो फ्रेंड्स आप ध्यान दीजिए, अगर नमी की बात आ रही है, मतलब ह्यूमिडिटी की बात आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपका वाटर से ही बात कर रहा है, वाटर से बात कर रहा है। अच्छा, तो हाइड्रो हाइग्रो, तो आप हाइग्रो को हाइड्रो से रिलेट करेंगे, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो वाटर की ही बात कर रहा है, बशर्ते यहाँ जल था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? हवा आ जाएगा। तो हाइग्रोमीटर का हवा की आर्द्रता मापने, आप देखिए आर्द्रता देखेंगे तो आपके दिमाग में हाइड्रो आएगा, तो हाइड्रो आएगा तो आप जल कह देंगे, तो फिर बचा क्या? हवा। तो हवा की आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर। अच्छा, अब लैक्टोमीटर का बात किया जाए, तो फ्रेंड्स लैक्टो वर्ड का मतलब आए, तो लैक्टो मतलब, ये समझ लीजिए, दो तीन चीज़ें मैं आपको फिक्स बता रहा हूँ, हाइड्रो का कहीं मतलब आप जाए आप समझ जाइए जल से मतलब, जैसे हाइड्रोग्राफी होता है, हाइड्रोग्राफी में एक सब्जेक्ट होता है जिसमें जल के बारे में, संरक्षण के बारे में पढ़ा जाता है, तो हाइड्रो का मतलब कहीं आ जाए तो समझ लीजिए जल से मतलब है। लैक्टोमीटर, लैक्टो का हमेशा दूध से मतलब होता है, किससे? दूध से। तो लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है दूध का घनत्व, मतलब डेंसिटी ऑफ मिल्क को मेजर करने के लिए लैक्टोमीटर का यूज किया जाता है। अच्छा, तो फ्रेंड्स आई थिंक साथ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप को याद करना है, हृदय की धड़कन, मतलब जो डॉक्टर वगैरह आला जिसको हम लोग बोलते हैं लगाए रहते हैं कान में, वो सुनने के लिए कि स्टेथोस्कोप का, इसको आप ऐसे डायरेक्ट याद कर लीजिए, इसके लिए कोई खास ट्रिक मेरे दिमाग में आई नहीं तो मैं बता नहीं रहा हूँ, स्टेथोस्कोप हृदय की धड़कन सुनने के लिए, ठीक है। अच्छा, कैरेट मीटर, फ्रेंड्स कैरेट मीटर को याद करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड है, कैरेट है सोना वगैरह, किस में? कैरेट में आता है ना, उसके मेजरमेंट कैरेट में करते हैं, तो कैरेट मतलब सोना, तो सोने की शुद्धता, मतलब कितना सोना अच्छा है, कितना खराब है, मिक्सचर तो नहीं है, कैरेट मीटर से याद किया जाता है। अब बात आती है सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए, मतलब अर्थक्वेक इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए सिस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। किसका? सिस्मोग्राफ का। दो तीन बार आप इसको देखेंगे बड़े आसानी से याद हो जाएगा, सिस्मो वर्ड का मतलब कहीं आए तो सिस्मो का मतलब समझ लीजिए वो भूकंप से रिलेट कर रहा है, सिस्मो का मतलब भूकंप से होता है, मतलब अर्थक्वेक से होता है। फेदोमीटर, फेदोमीटर का यूज किया दिया जाता है, वो क्या मीटर की, किसके मेजर के लिए? समुद्र की गहराई, और समुद्र की गहराई किसमें मीटर, समझ करिए मीटर है तो मीटर किसकी यूनिट है? लंबाई को, और लंबाई, लंबाई मतलब कहीं ना कहीं गहराई, तो गहराई क्या हो जाएगा? फेदोमीटर, ठीक है। अच्छा, पोलीग्राफ, पोलीग्राफ का मीजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? झूठ का पता लगाने के, एक मशीन होती है जिसका यूज किया जाता है, आप झूठ बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, उसको, उस मशीन का नाम क्या है? पोलीग्राफ। एक दो बार आप अच्छे से अगर जो इसको पोलीग्राफ, साथ साथ आप कमेंट में लिखते भी चलिए तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। पोलीग्राफ, झूठ का पता, आपको कुछ नहीं करना है, पूरा वीडियो देखिए और पोलीग्राफ लिख दीजिए और उसके सामने लिखिए झूठ का पता, देखिए आपको कभी भूलता है, कभी नहीं भूलेगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। अच्छा, अब आता है रेडियो रडार, रडार का नाम आप लोगों ने सुना भी होगा, रडार का जो यूज किया जाता है उसका यूज किया जाता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति पता लगाने के लिए, हवाई जहाज वगैरह में यूज किया जाता है, मतलब कहाँ पे लैंड करना है इस सब का पता लगाने के लिए रडार का यूज किया जाता है, इससे एक रे निकलती है और वहाँ पे अगर कोई ऑब्स्टिकल्स रहता है, कोई बाधा रहती है तो इससे पता चल जाता है। याद कैसे करें? रडार रेडियो, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति पता, मतलब पोजिशन ऑफ, वी कैन फाइंड द पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट यूजिंग द रेडियो वेव्स एंड द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड रडार। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स यही था, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि चीज़ों को, मैंने हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अच्छा हाँ फ्रेंड, ये सोनार कुछ लोग को लगा रहा हो दिमाग में, सोनार का फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर जो आप इतना अच्छे से पढ़ लेते हैं तो हमारे हिसाब से कि लगभग इन्हीं में से एग्ज़ाम में पूछ भी लिया जाता है,
एक छूट रहा है आपका स्फिग्नोमेनोमीटर। स्फिग्नोमेनोमीटर इसका यूज किया जाता है बीपी को मेजर करने के लिए। इसका देखिए इतना तो मैंने लिख दिया था, एक काम आपको मैं दे रहा हूँ, स्फिग्नोमेनोमीटर बीपी का मेजरमेंट करने के लिए आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। इतनी बात मेरी मानिए, और भी किसी में आपको लग रहा हो कि बार बार भूल जा रहा, आप उसको भी कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। और इस वीडियो के एक से दो बार बस आप देख लीजिए, आप स्पीड बढ़ा के देख लीजिए, लेकिन देखिए आपको ना समझ में आए तब मुझे बताइए, कि सर नहीं समझ में आए तब मैं बसरते तब मैं कुछ करता हूँ और सोचता हूँ क्यों नहीं समझ में आए, बसरते जितना मैं कह रहा हूँ अगर आप उतना करेंगे 110% गारंटी करता हूँ, लेता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही था, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।